बोल टूर्नामेंट का आप लोग आनंद ले पा रहे हैं। तुम भाई बता दो, ये आदि से बोलो चलन मैच रेफरी विद्यु मुन्ने गया, असिस्टेंट मैच रेफरी मैदान को तुच्छर में भीमा मुर्मू और मैदान के ठीक दक्षिण सर में असिस्टेंट मैच रेफरी के रूप में करण हांसदा और सोहन लाल हांसदा खेल का संचालन करते हुए नजर आएंगे। मैदान के परिसर में एएमएस नांदुम की टीम है, मैदान के दक्षिण क्षेत्र में अलकुसी एकादश की टीम और दोनों ही टीम आज की टूर्नामेंट में तहलका मचाने के लिए प्रयास यहां पर कमर कस के पहुंच चुकी है। संजय अच्छी ताल में मिडजन पर अमान के लिए गेंद को छेद में कैमरा होता हुआ शुक्लाल के कब्जे पर गया। शुक्लाल अच्छी पास से बल तोड़ने के लिए मौका बनेगी यहां पर। सागर के कब्जे पर गया, जोरदार गेंद को हिट किया, लेकिन सबका यहाँ पर चैंपियन टीम देखने के लिए मैदान के चारों ओर रंग बिरंगे पोशाक के परिधान में यहाँ पर नए पुराने कपड़ों में दर्शक है। दर्शक नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर जन का बेताज बादशाह यानी कि किसके सर पर खिताबी का ताज यहाँ पर ताजपोशी की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी इस मुकाबले में। निश्चित रूप से ये बड़े सवाल है दोनों टीम के लिए, लेकिन राशि की अगर बात है बहुत ज्यादा फासला नहीं है, 10,000 की राशि फासला है जो कि चैंपियन टीम को 40,000 राशि साथ में चैंपियन ट्रॉफी और उप विजेता टीम को 30,000 राशि और साथ में चैंपियन चमचमाते हुए ट्रॉफी। तो 30 और 40 के बीच 10,000 का जो आंकड़ा है, जो फासला है, अब देखना होगा 20 मिनट के ये निर्धारित समय में कौन टीम इस फसला को दूर कर दी। फिलहाल जंग जारी है मैदान के बीच में खिताबी भिड़ंत का। एक बार इस ग्रैंड फिनाले मुकाबला में सभी फैंटास्टिक ऑडियंस को फिर से आपको इस सुबह के पल में सुप्रभात के साथ आप सबों का इस कम्बॉक्स से आदिवासी मूलवासी यूथ क्लब तुरमडी शमसीपुरम सबों का स्वागत करती है। फिलहाल जंग जारी है, देश का पूरी तरह से रूपरेखा को देखा जाए तो बराबरी का मुकाबला चल रहा है यहाँ पर विश्वनाथ, लेकिन आने वाले वक्त क्या होगा खेल की कहानियां ये थोड़ा सा बिल्कुल चरम पर आ रही है। एक तरफ एएमएस नादुम जो कि पीले और नीले पोशाक पर और विपक्षी टीम नीले डीप स्कोर के दौड़ में अब तक के अगर हम चर्चा करेंगे तो फिलहाल अमन का नाम ये सर्वाधिक स्कोर के दौड़ में नाम आ रही है, लेकिन देखना होगा अभी भी काफी निश्चित रूप से मुश्किल होगा इस कॉम्बॉक्स में चर्चा करने के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर डोनर हम जहाँ तक है ये शेष करके अगर बात करें तो मैच पूरी कहानियां बाकी है, मैच के पूरे चलिए यहाँ पर सूरज यहाँ पर किरण में जगमगाता हुआ प्रकाश नादुम की टीम ये बौखलाए हुए शेर की तरह इस मैच पर दहाड़। वहीं अगर बात करें तो अलकुसी एकादश की टीम में अलकुसी एकादश की टीम की अगर बात करते यहाँ पर मंगल परिया अपने ही होम टीम के विरुद्ध चलिए गुना यहाँ पर ईट का जवाब पत्थर से देता हुआ टीट फॉर टेट आज यहाँ पर विश्वनाथ देश का एमएस नादुम टीम के खिलाड़ी ने इनकी एक तरफ शोर तो दूसरी तरफ हल्ला बोल और मैदान में गोल ही गोल, एक तरफ बजेंगे ताशे और नगाड़े साथ में बजेंगे ढोल, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर विश्वनाथ? बिल्कुल यहाँ पर नादुम के सपोर्टर्स ने यहाँ पर थोड़े से शोरगुल किया, हल्ला गुल यहाँ पर मैदान के शोर शराबा हो रही है, तो इसे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मैच में कितनी रोमांच बची हुई है। लेकिन फुटबॉल का खेल और क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है, लेकिन पासा पलटने में माहिर दोनों ही टीम के खिलाड़ी सूरज सूरज के कब्जे पर गए, धीरे धीरे गेंद को आगे ले जाने के प्रयास करता हुआ फ्लिंग को चेंज करता है संजय के कब्जे पर। संजय डिफेंडर के लिए यहाँ पर मंगल, मिडजन पर गोलकीपर गौरव, अच्छी तालमेल
आत्मविश्वास से लबरेज टीम मैदान पर, दोनों ही टीम के खिलाड़ी बेहतर खेल का प्रदर्शन करता। अमन अमन यहाँ पर गोल लगेंगे तो निश्चित तौर पर हाईएस्ट स्कोरर के दौर में सबसे मजबूत स्थान को यहाँ पर पक्का करना चाहेंगे, लेकिन अभी भी ये हम 100% नहीं कहेंगे कि ये हाईएस्ट स्कोरर के दौर में आगे है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाफ का खेल बचा हुआ है, फर्स्ट हाफ का खेल चल रही है। अभी तक गुरे ने एक गोल दागा, सगन कुंकल ने भी टीम के लिए एक गोल दागा है, और यहाँ पर अगर दो गोल टीम के लिए व्यक्तिगत गोल में और इजाफा करते हैं तो अमन पिछले मैच में दो गोल के साथ साथ सबसे तेज गोल का रिकॉर्ड बन चुका है आज की इस फ्लोरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट में, यानी 10 सेकेंड में पहला गोल दागने में सफल रहा था। बिल्कुल, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्रत्यक्ष यहाँ पर ध्वस्त कर चुकी है 10 सेकंड। आप समझ सकते हैं 10 सेकंड कितने कम समय किकअप के साथ यहाँ पर मैच को मैच में गोल दागे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गोल दागने में सफल रहा था। फिलहाल बराबरी का मुकाबला एक के बराबरी की स्थिति में एएमएस नादू किस तरह से खेल में परिवर्तन होंगे ये तो वक्त ही बताएंगे। फिलहाल एक की बराबरी की स्थिति में यहाँ पर दोनों टीम खेलता हुआ मैदान के बीच प्रथम हाफ का मुकाबला में। चलिए फिर से यहाँ पर सागर, बहुत अच्छी पास यहाँ पर सुखलाल के लिए, लेकिन गेंद में थोड़ी सी गति थी, रफ्तार थे, पावर थे, जिसके चलते यहाँ पर गेंद थोड़ी सी ज्यादा गति ली। संजय कुछ समय लेता हुआ अच्छी पास यहाँ पर, अमन ने कलाकार खेल को दिखाता हुआ, बहुत बेहतरीन यहाँ पर मौका बन सकता था, लेकिन सही टाइमिंग सेट नहीं कर पाए, गेंद को सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। और फिर से यहाँ पर सागर, चलिए बॉडी के संतुलन को बनाने पाए, हालांकि डोमान ने किसी ना किसी तरह इस 2023 सीजन का पहली टूर्नामेंट आदिवासी मूलवासी यूथ क्लब तुरंत क्रिकेट टूर्नामेंट में चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम हासिल करने के लिए। चलिए यहाँ पर बेटा शुक्लाल एक बेहतरीन खिलाड़ी है, अच्छी यहाँ पर डिफेंडर के लिए शुक्लाल के दौरान हुआ था ये, बिल्कुल मैं तो ये बड़ा लाभ। चलिए यहाँ पर शुक्ला अच्छी तालमेल यहाँ पर सामो दिक्की के लिए, सामो मिर्जल पर सागर के लिए अच्छी ग्राउंडेड शॉट, अभी भी मौका किक लिया गया, लेकिन गिरते पड़ते यहाँ पर गौरव ने कुछ पल के लिए गौरव ने खेल के प्रदर्शन से गौरवित करते हुए फिलहाल एक मौका को तलाशा हुआ। यहाँ पर सागर की कदमों में गेंद है, मौका बन सकता है, सागर थोड़ा सा होल्ड बैक की कोशिश की, फौसल ड्रिबल के प्रयास सागर। शुक्ला अच्छी आउटपुट गेंद लखन गुया के लिए, अच्छी हिल के जरिए गेंद को यहाँ पर ब्लॉक करने में कामयाब होता हुआ, हेडर के जरिए पास, अच्छी तालमेल गेंद को चेस्ट डाउन करने के प्रयास। सूरज लोहार, सूरज अभी भी उनके कब्जे पर गेंद, वाह व्हाट अ टेक्निक पॉसिबल जस्ट सर। अमन लॉन्ग टारगेट ट्राई टू पोजीशन गोइंग ऑन द बेस्ट इन दिस मोमेंट अगेंस्ट सागर, कंट्रोल द बॉल and pass to the player Shuklal, it's against the ball and once again pass to the player, it's a moment, so nice coordination once again Nadu ke liye Shuklal honge samne bilkul narrow zone par, is baar Sagar honge control karne ke baad khelna chahe ya yahan par bikal ko thode jayenge, baar seedhe post kiya gaya tha tok ke dwara and ke kam samay mein ek badi चलिए यहाँ पर बना अच्छी पास यहाँ पर गेंद को चेस्ट से लेता हुआ
सागर कुंकल, सागर कुंकल की बात करें कहीं भी जाते हैं छा जाते हैं इस सत्रह का अंदाज में। हमारे इस आदिवासी मूलवासी यूथ क्लब तुरामडी जमशेदपुर के जो संस्थापक हमारे परम आदरणीय गोविंदा पंथी का सौजन्य से इस बातों को शेयर करना वाकई बिल्कुल हम काफी सुकून का एहसास हो रहा है कि ऐसा ऑफर देना और ये मौका भी है दस्तूर भी है खिलाड़ियों की कि आप 10 मिनट एक गोल का कीमत है 1000। कोई भी खिलाड़ी अगर अपने बलबूते मैच में इस अतिरिक्त समय में वो गोल दागेंगे तो उस गोल का कीमत है 1000, यानी कि कभी आपको जोशी के साथ में इसको खेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर 1000 का जो जमा राशि है एक गोल में 1000 रुपया और लखन चलिए पर गुनाए गुनाए ने अब तक एक गोल दग चुके हैं टीम के लिए बराबरी का फास्ट हाफ का मुकाबले में और ये एक्स्ट्रा टाइम 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जो दी गई है मैदानी गोल लगने के लिए ये जीत भी सुनिश्चित करेंगे साथ ही साथ जो 1000 रुपया का जो इनाम राशि है ऑफर जो है उस ऑफर का लाभ भी यहाँ पर मिल सकती है। चलिए यहाँ पर बाउल बनाने में सफल रहे सुखलाल, इस बार गेंद लखन भैया के लिए कंट्रोल करने के बाद थोड़ा सा गेंद को सजाना चाहा और शुक्लाल जैसे खिलाड़ी को यहाँ पर गेंद दिया है थोड़ा सा रोकने की कोशिश की शुक्लाल साथी खिलाड़ी को नैने को देना चाहा, इस बार गेंद जैसे आगे बढ़ जाता है लेकिन यहाँ थोड़ा सा हड़बड़ाहट और उसका खमियाजा विपक्षी टीम के पक्ष पर जाता हुआ धीरे धीरे यहाँ पर अमन तथा गेंद को कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ और इस बार ड्रिबलिंग की कोशिश अमन और पीछे यहाँ पर खेला है साथी खिलाड़ी के लिए विकल्प के तौर पर यहाँ पर भरोसा जताता हुआ यहाँ पर मंगल पारिया गेंद बाएं छोर से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश सीधे टारगेट पर मूव करने की कोशिश किया था यहाँ पर मंगल ने लेकिन चले धीरे से यहाँ पर कॉर्नर किक करने का मौका शॉटिंग से नहीं लगा पाएंगे यहाँ पर ACWFA के यूट्यूबर्स से प्रदर्शन नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आज यूट्यूब के माध्यम से आप सबको देखने के लिए मौका मिलेगा और यूट्यूब चैनल में ACWFA को अगर आप लोग सर्च करेंगे तो जरूर आदिवासी मूलवासी यूथ क्लब क्रीज का अवार्ड सभी को सम्मानित किया जा चुका। तो कहीं ना कहीं आज बिल्कुल ऐसा लगा था कि यहाँ पर लाख टक्के का टूर्नामेंट का आयोजन की गई इस तरह का खिलाड़ी हमारे इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आए लेकिन देखना होगा चैंपियनशिप का खिताब 16 टीमों में से कौन एक मात्र ऐसा टीम है जो कि इस टूर्नामेंट में बेताज बादशाह हीरो के रूप में अपने आप को यहाँ पर साबित कर पाएंगे। अमन ने यहाँ पर किक लेना चाहिए टर्गेट पे गेंद को रखने में कामयाब रहेंगे तो नुरारा मुकाबला अभी भी कांटे के टक्कर के मुकाबला चल रही है दोनों ही टीमें हार बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहेंगे हारना बिल्कुल नहीं चाहेंगे इस मुकाबले में क्योंकि यहाँ पर 10,000 का अंतर के साथ साथ मैदानी गोल अगर होती है तो यहाँ पर एक रखा जाए तो फिर एएमएस नादु के लिए ये सुनहरा अवसर में कुछ वृत्त को तब्दील करने में सफल हो सकती है। थोड़ा सा गुप्तगु करते हुए शुक्लाल कुंकल दो शुक्लाल सागेन सामने थे और सागेन के लिए गेंद डाला गया इस बार मौका जरूर मिलेंगे इस बार लेकिन इसे मौका को इस बार संजय और सुमित होंगे सुमित गेंद को कंट्रोल किया है उसके बाद पीछे धकेला संजय के लिए और संजय मुर्मू अमन के साथ खेलना चाहते लेकिन अमन थोड़ा पूरी तरह से कंट्रोल से मारता नियंत्रण को खोए थे वो बोरी से वो गिर चुका था जिसके खमियाजा विपक्षी टीम को मौका मिले लेकिन फिलहाल इसको खेला था जाकर गेंद गिरता हुआ कोई फायदा यहाँ पर नादुक टीम के लिए फिलहाल रेड फ्रेंड से गेंद आगे बढ़ने की कोशिश कर लेकिन फिलहाल और सागेन संजय हाफ वे लाइन के करीब से गेंद है संजय मुर्मू थोड़ा सा खेलना पसंद करना चाहेंगे सामने हो गए सागेन सागेन अपने कब्जे में गेंद को नाम करता हुआ यहाँ लखन गुया के साथ तालमेल बनाने की कोशिश के कारण थोड़ा सा यहाँ पर तालमेल से बाहर देखने को मौका मिला पूरा सुमित के लिए गेंद डाला गया है सुमित प्लेज को चेंज करते हुए और जी हाँ सफल हुए यहाँ पर
अलखुशी एकादश टीम के खिलाड़ी गेंद के साथ बनना चाहेगी। यहाँ पर मौका बन सकता है, यहाँ पर क्रॉस है, मौका बन सकता है, तेज रानी और जो नहीं थी अभी भी मौका बन सकता है। यहाँ पर अमन के लिए, अमन थोड़ा सा समय लिया, अभी भी मौका सुमित सुमित लेकिन तू छाला हवा में, लेकिन चुका है अंतिम समय में, जो अतिरिक्त समय दौड़ा गया था 10 मिनट का मुकाबला लगभग, ये अंतिम समय अंतिम पड़ाव का ये एक मौका है और ये भी मौका को बेकार करते हुए कीमत 1,000 रुपया दांव लगी हुई है, लेकिन ये स्कोर अब तक नहीं बने, जिसके कारण मैं कहूंगा कि यहाँ पर हमारे इस स्टाफ के संस्थापक मान्य मान्य खुश जरूर हो रहा होगा कि भाई 1,000 रुपया तो हमारे पॉकेट में। अमन इस बार मौका मिल सकता है सुमित के लिए, थोड़ा बॉडी की रिमूव करना होगा, लेकिन पूरी तरह से टिक जा चुके थे गोल पोस्ट को। सुमित थोड़ी सी एक्टिव होते उस पोजीशन पर तो फिर बहुत ही बेहतर मौका था, जहां से स्कोर लाइन को निकालने में कामयाब हो सकते थे। इस बार वाओ बैक वॉली किक करने में सफल, एक बड़ी जिम्मेदारी लखन भैया लेता हुआ।